हेलो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। चाहे कोई भी ब्रांच हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिस मांगता है। हर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, उस कॉन्टेंट से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग इस सेशन में कुछ क्वेश्चन करते हैं और वे सभी जो क्वेश्चन हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है, हमें देखिए फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स को। पहले तो आप समझिए कि ये किस फॉर्म का है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में फॉर्म को नहीं समझते हैं। पहले आपको फॉर्म को समझना है कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्म का है। तो देखिए, वन टू थ्री टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल है। एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, टू है, मतलब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। मतलब ये इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। अब क्या करिए, इतना तक समझ में आ गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, तो उसमें हम करते क्या है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम टेट्रानोमियल बनाते हैं। फिर दो दो का ग्रुप बना करके कॉमन लेंगे, उसके बाद उसको फैक्टराइज करेंगे इवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि यह जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है फैक्टराइजेबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस कंडीशन में हम गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी सी चाहिए। तो आप कंपेयर करके लिखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहां देखिए वन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब ए आपका वन हो जाएगा। एक से कोफिशिएंट बी, यहां देखिए क्या है, माइनस फाइव है, मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू माइनस फाइव हो गई। सी की जगह पे माइनस सिक्स है। हमें क्या चाहिए, तो हमें तो चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चाहिए। बी की वैल्यू माइनस फाइव, इसका होल स्क्वायर करिए माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस सिक्स, माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। नेगेटिव क्वांटिटी हो चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर अगर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। माइनस फोर इंटू माइनस सिक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहां आप लिखेंगे प्लस, फोर सिक्स 24, 25 और 24 ऐड करेंगे तो 49, जो कि क्या है स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, सेवन का स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितना आया, 49 आया, जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब डेफिनेटली गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल फैक्टराइजेबल होगा। मैं आपको प्रॉपरली मेथड बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमको पता चल गया कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वो फैक्टराइज कैसे करेंगे उसके बारे में सोचा जाए। देखिए, ए कितना है, वन है, बी माइनस फाइव, सी कितना, माइनस सिक्स। तो हम सबसे पहले ए इंटू सी निकालते हैं, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस सॉरी सी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स है, तो आपका हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 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 सिक्स। यहां से मैं माइनस सिक्स को नहीं ले रहा हूं, एक्चुअली मैं सिक्स का फैक्टर लिखने वाला हूं, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं मैं सभी को लिखने वाला हूं। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर, तो वन टू थ्री और ये सिक्स। देखिए, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स में प्लस माइनस दोनों वाला आएगा, मतलब प्लस वन भी इसका फैक्टर होगा, सिक्स का माइनस वन भी होगा। मैं केवल पॉजिटिव ले रहा हूं, यहां भी देखिए माइनस सिक्स है तो मैं केवल सिक्स ले रहा हूं,
और मैं 6 का केवल पॉजिटिव फैक्टर लिख रहा हूं। अब देखिए बिगनिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंट क्वांटिटी लीजिए 1 और 6 लिख लिया। यहां देखिए 2 और 3 2 और 3 हमने लिख लिया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये पेयर आ गया। अब दो पेयर की पॉसिबिलिटीज है लेकिन इसमें से कौन सा मेरे लिए फेवरेबल है उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए 1 × 6 करेंगे 6 आएगा, 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, लेकिन हमें यहां पे -5 भी लानी है। तो देखिए हमें -5 लानी है, वो भी ध्यान देना है। और a × c क्या है, नेगेटिव है, -6 है, मतलब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या है, -6 है। तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट -6 आने का मतलब यह है कि इसमें से एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। अब इसमें से कौन सा मेरे लिए फेवरेबल है, कौन सा मेरे लिए मेरे फेवर में है, उसका ध्यान देना है। तो अगर हम इन दोनों को ले लें 2 और 3 को, तो 5 कैसे आएगा -5, जब -2 -3 लिखेंगे तो -2 -3 -5 तो आ जाएगा, लेकिन -2 × -3 जब करेंगे तो +6 आएगा। हमें क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। 1 और 6 है, हमें क्या लाना है, -5 लाना है। तो 1 - 6 लिख सकते हैं तो -5 आ जाएगा, और 1 × -6 जब करेंगे तो -6 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारे फेवर में ये जो है ये पेयर सही है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि x² और -5x के जगह पे हम लिखेंगे +x और ये -6x। ऐसे भी देखिए 5 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका साइन नेगेटिव होगा, तो 6 का साइन नेगेटिव। x - 6x - 5x आ रहा है, और x × -6 करेंगे तो -6x² आ जाएगा, जो कि x² - 6 के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम लोग -5x को स्प्लिट कर दिए, और स्प्लिट करने पे स्प्लिटेड पार्ट्स कितना मिला, x मिला और -6x मिला, और ये देखिए -6। 1, 2, 3, 4 है, 2-2 का पेयर बनाइए, तो इनमें x कॉमन, तो x +1, इनमें -6 कॉमन, तो -6 जब कॉमन लेंगे तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा। x + 1 इंटू में यहां भी है, यहां भी है, तो x + 1 ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा, x बचा और ये -6 बचा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से गिवन क्वाड्रेटिक जो ट्राइनोमियल है उसका फैक्टर्स x+1 आया और x - 6 आया, और ये देखिए दोनों का दोनों क्या है, लीनियर है। लीनियर कहने का मतलब ये है कि x का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक a² + 7a - 18। देखिए हमने बाय मिस्टेक x लिख दिया था, एक्चुअली जो वेरिएबल है एक ही होना चाहिए ना, अगर x है तो x रहेगा, a है तो a रहेगा। तो 1, 2, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि a का मैक्सिमम पावर 2 है, इसी फॉर्मेट का है ये। तो यहां देखिए सोचने में थोड़ा आपको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको वापस लिख देता हूं, x² + 7x - 18। इसे कंपेयर करने में सही रहेगा, देखिए ए में भी रहेगा तब भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमें एक्सप्लेन करना है इस फॉर्मेट की हेल्प से, इसलिए हमने क्या किया कि ए वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया एक्स से, ताकि हमें समझाने में इजी हो। तो ए कितना, 1, बी कितना, 7, सी कितना, -18। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि a × c निकालते हैं, तो 1 × -18 आ जाएगा,
और जो कि क्या है नेगेटिव है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। एक्चुअली देखिए हमें B को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, मान लीजिए वो पार्ट P और Q है, तो हमें B को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड पार्ट्स शुड बी इक्वल टू A इंटू C। ये पहली कंडीशन है और ये आपका दूसरी कंडीशन है ये, और हम साइन का भी ध्यान देंगे। ठीक, तो AC माइनस 18 आया। अब लोग ये करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल फैक्टराइजेबल है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो देखिए b स्क्वायर, b कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, देखिए ac निकाला हुआ है यहां पर माइनस 18। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 49 प्लस 18 फोर जा 72, तो ये आपका आ जाएगा 121, जो कि 1 का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 121 आ रही है, और 121 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है वह फैक्टराइजेबल है, तो फैक्टराइज किया जाए। तो देखिए यहां पे देखिए a इंटू सी कितना है माइनस 18 आया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 18 आर। अब आप सोच रहे होंगे 18 कहां से आया, देखिए 1 इंटू माइनस 18 माइनस 18 आएगा, एसी हमने निकाला भी है, मैं वहां से केवल 18 ले रहा हूं, तो 1 से हर एक में डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर्स लिखना है तो 1 हो जाएगा 18 का फैक्टर, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 18 होगा। अब लोग पेयर बनाएंगे, उन नंबर्स का पेयर बनाएंगे जो कि इक्वी डिस्टेंट होंगी बिगिनिंग से और एंड से। तो ये देखिए 1 और ये 12 और 2 और 9, 3 और 6, कितना पेयर बना, 1 2 3 पेयर बना। ये देखिए 3 पेयर बना, और इन पेयर की खासियत क्या है, 1 12 करेंगे, एक मिनट सॉरी, यहां पे 18 होगा ना, 12 नहीं ना, अच्छा अभी चेक कर लिया हम लोग। तो देखिए 1 इंटू 18, हम लोग 18 का फैक्टर लिख रहे हैं ना, तो 1 2 3 6 9 18। देखिए थोड़ा नजर रखेंगे ना तो अपनी मिस्टेक्स आपको पकड़ में भी आ जाएगा, तो 1 इंटू 18 18, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 6 18, तो इंटू करने पे सब 18 आ रहा है, तो हम सबको तो ले नहीं सकते। हम लोग ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा जो पेयर है सुटेबल है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके लिए आप यहां कर देंगे साइन क्या है प्लस, और ये 7 लिखा है, और a इंटू सी क्या है नेगेटिव है। ठीक, हमें b को मतलब 7 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है p और q के रूप में, कि p और q को ऐड किया जाए तो 7 आए, और जब p और q को इंटू किया जाए तो 18 आए, माइनस 18 आए, माइनस 18। तो इसमें से p और q ये होगा या फिर ये होगा, कौन सा होगा हमारे लिए। अब देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो होना है, क्योंकि देखिए a इंटू सी क्या है नेगेटिव है, p इंटू क्यू ac के बराबर है और ac नेगेटिव है, मतलब p और p इंटू क्यू भी नेगेटिव होगा। P इंटू क्यू नेगेटिव होने का मतलब यह है कि P और Q में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि AC की वैल्यू उतना ही आना चाहिए जितना कि P की आना चाहिए। AC क्या आ रहा है माइनस 18 आ रहा है, AC नेगेटिव आ रहा है, मतलब PQ भी नेगेटिव होगा। PQ नेगेटिव तभी होगा जब
P और Q में से दोनों का दोनों अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होंगे, ठीक। मतलब 2 और 9 का डिफरेंस 7 आ जाएगा, 6 3 का डिफरेंस 3 आएगा, 18 और 1 का डिफरेंस 17 आएगा। इसका मतलब ये जो है हमारे लिए फेवरेबल है। अब सवाल ये उठता है कि 2 और 9 में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसको आप यहां से देखिए, 7 का साइन क्या प्लस है, तो 2 और 9 में जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन पॉजिटिव लेंगे, 7 का साइन क्या है प्लस है, 2 और 9 बड़ा कौन है 9 है, तो 9 का साइन क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लेंगे ना 2 का साइन माइनस 2x और 9 का साइन हमें पॉजिटिव लेना है, और ये देखिए माइनस 18 माइनस 2x प्लस 9x 7x आ जाएगा प्लस 7x माइनस 2x इंटू 9x माइनस 18x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर इंटू माइनस 18 करेंगे तभी माइनस 18x स्क्वायर आएगा, मतलब ये सही है। तो हम लोग क्या किए 7x को लिख दिए माइनस 2x प्लस 9x। अब इनमें कॉमन लीजिए x पहले पेयर में ये आ जाएगा, यहां पे देखिए 9x माइनस 18 है, 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 यहां भी है यहां भी है, तो कॉमन ले लिया x बचा और यहां पे प्लस 9। इस तरीके से गिवन जो क्वाड्रेटिक ट्रायंगल था उसका दो फैक्टर हो गया, एक फैक्टर x माइनस 2 दूसरा x प्लस 9, और दोनों का दोनों क्या है लीनियर है। लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x का पावर कितना है 1 है 1 है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक ट्रायंगल से रिलेटेड फैक्टराइजेशन किया है, जिसमें कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके गिवन क्वाड्रेटिक ट्रायंगल को फैक्टराइज किए हैं। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।